Begging is an oldest profession on earth. It is very difficult to generalize how and where panhandlings begin in the life of beggar. In Mumbai, there are estimated to be 1 lakh beggars. This population grows because every couple breed at least 6 children. Beggars beg, and if we don't give money, they trouble us. Every time beggars come to me for money, I ignore them. Sometimes it is very irritating when they touch. There are many kinds of beggars. Some beggars are real, who beg for their livelihood. Some beggars we found are little children, who forced by their parents or the situation make them to beg. Some beggars who are handicapped, they mostly beg to survive their livelihood. ये झोपड़ा था आपका? पत्रा के घर था। अच्छा, फिर क्या हुआ? पुलिस आके तोड़ा। तो आज लोग देते हैं आकर? नहीं देते। पुलिस वाले तंग करते हैं, पकड़ के भी ले जाते हैं, और आपके बाल बाल चोपुर में लेके जाते हैं। पैसा भरो, ये करो साहब, हम गरीब लोग किधर से लेके आए? हमारा राशन कार्ड तो होता है इधर का, एक एक पंचायतों का राशन कार्ड होता है साहब। उधर का जब अभी हमारा झोपड़ा तोड़ दिया, उसके अंदर हमारा सामान भी गया, हमारा सब तोड़ के गया साहब। ये अपना पुलिस चौकी आरती वाला पीछे से बना, इधर दरपट आके उधर होता पुलिस चौकी वाला, वो भी हमको दबा दबा के कोने में रख दिया हम लोग को। फिर रस्ते वाला हमको बोला और भी बाजू हटो साहब। आपका नाम क्या है? ललिता। आप कहाँ से आए? आंध्र प्रदेश। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 15 सर। 15 लोग हैं। अच्छा, आप ये काम क्यों करते हैं? काम नहीं लगता, कुछ काम अच्छा नहीं, हाथ अच्छा नहीं, इसलिए। अच्छा, रोज कितना कमा लेते हैं? रोज के 50 रुपये, 60 रुपये कितना हो जाता है?
पाकिस्तान से। नहीं, कहाँ करा रहे हो अभी? बोरीवली आपने बोरीवली संतोष, आप क्या हम देख रहे थे अपने हेलमेट होते क्या बाइक में ट्रैवल करते हैं? कितना ट्रैवल, कहाँ से कहाँ होता आपका डेली ट्रैवल? आउटसाइड ऑफ बॉम्बे। ओके, तो हम देख रहे थे आप न्यू बॉम्बे से बोरीवली जा रहे थे, ट्रैफिक काफ़ी बीच में आप हैं, तो कितने बैगर्स आते हैं आपके पास? मतलब रोज फेस करते हैं, डेली फेस होता है ऐसा ये प्रॉब्लम बैगर्स के साथ? तो फिर आप किस तरीके से, मुझसे क्या होते हैं, छोटे एज के बच्चे होते हैं, बड़ी औरतें होती हैं जो बच्चे लेकर आती है, हैंडीकैप होते हैं, मुझसे किस तरीके के होते हैं बैगर्स? मुझसे कैसे, तो आप क्या देते हैं उनको, पैसे देते हैं? Does not address the socio-economic basis of beggary but criminalize it. The condition of beggars are very bad. Sometimes they don't have food to eat. Beggars are cursed, or do they need help? The best way to help beggars is to give a donation to one organization that supports them. Giving something to them directly only reinforces begging as a way of life.